हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनंदा दे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बोलने आई हूं। नहीं, ये रिव्यू वीडियो नहीं है मेरी, ये आप बोल सकते हो ये मेरे एक्सपीरियंस वीडियो है। मैं उस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करने के बाद मेरा एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये प्रोडक्ट वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट में से है। तो मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बोल रही हूँ वो है ये है डर्म डॉग का एंटी एजिंग फेस मास्क। मुझे पता नहीं है मेरे चैनल पे मैं इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में पहले बोली हूँ या नहीं बोली हूँ। आई मीन, मुझे सच में याद नहीं है कि मैं इसका रिव्यू मैंने दिया था कि नहीं दिया था, पर इसका मतलब आज मैं एक एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ एक डेढ़ साल से है। ये मेरा सेकेंड परचेस है जो कि मैं दिखा देती हूँ। क्वाइट ख़त्म हो गए हैं, मतलब अभी उतना ख़त्म नहीं हुए पर ठीक है, ख़त्म होने ही वाला है अभी। ये एक फेस मास्क है पर ये पिंपल के लिए एकदम बेस्ट है, जो अनवांटेड पिंपल होते हैं। आई मीन, कोई भी पिंपल अच्छी, मतलब अनवांटेड ही होते हैं। मतलब जो एक एक पिंपल होता है ना, अचानक से टपक पड़ता है। आई मीन, कोई बड़े फेस्टिवल हो, बड़े कोई फंक्शन हो, उसके पहले तो आई मीन होगा ही होगा, लाइक दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली, इस टाइम के पहले मेरे फेस पे तो पिंपल होता ही है। आई मीन, कहीं पे मतलब कहीं पे निकल घूमने जाऊंगी, अचानक से उसी दिन या फिर उससे पहले दिन मेरे फेस पे टपक पड़ता है जो पिंपल। इसको मैं अनवांटेड पिंपल बोलती हूँ। ऐसे अगर मतलब नॉर्मल डे में अगर पिंपल होता है मुझे, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पिंपल होना अच्छी बात है, कि मतलब पिंपल होना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। पिंपल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, पर उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं होता है, उस टाइम पे अगर पिंपल मुझे होती है तो उस टाइम पे मैं इस पैक का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये पैक, ये तो एक नॉर्मल पैक है ना, एंटी एजिंग फेस मास्क। तो ये पिंपल के लिए क्यों काम करता है अच्छा? तो क्योंकि इसके अंदर है मतलब विथ 1% रेटिनॉल। तो हम सभी जानते हैं रेटिनॉल पिंपल के लिए कितने अच्छे हैं। अगर आप रेटिनॉल सीरम यूज़ करते हो तो आपके फेस पे पिंपल नहीं होता है। पिंपल में रेटिनॉल का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसीलिए ये फेस मास्क यूज़ करते ही मेरे पिंपल में, मेरे फेस पे जो अनवांटेड पिंपल होती है वो भाग जाती है। हे एवरीवन, इस मास्क को भी लगाने से पहले आपको बस ये श्योर करना पड़ेगा कि आपके फेस क्लीन हो। आई मीन, एक अच्छी क्लींजर से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ये मास्क लगाइए। और गीले हाथ में इस मास्क में टच मत करिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो बस इसको अच्छी तरह से पूरे फेस पे लगाइए, 10-15 मिनट मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट, उसके बाद ही ये सूख जाता है। तो बस जब इसको आप वॉश आउट करेंगे तो नॉर्मल पानी से ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घुमाते, हाथ घुमाते घुमाते जाइए, ये इस मास्क को ऐसे क्लीन कर लेना है। और जैसे मैंने बोला है कि ये मास्क लगाने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, जलन टाइप ऐसे होते हैं, मुझे देख के बिल्कुल भी मतलब डरना मत। ये मास्क लगाने के बाद आपको भी ऐसे ही दिखेगा। तो बस ये जैसे मैंने बोला है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है, ये नॉर्मल बात है। तो इसको मैंने वॉश कर लिया, जैसे मैंने देखा है वहाँ पर एक मेरा पिंपल आने वाला है, तो मैं इसीलिए पहले से प्रिपेयर हो रही हूँ, तो प्रिपरेशन ले रही हूँ। तो इसके बाद मैं फेस मास्क को वॉश करने के बाद मैं गुलाब जल लगाऊंगी, उसके बाद एक अच्छे मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। बस हो गया मेरा एक, आज तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ नाइट में। बस सिंपल का ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये मैं यूज़ करूँगी। तो जैसे मैंने बोला रात को मैं शूट कर रही हूँ, तो आज का नाइट स्किन केयर मेरा हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। तो बस इस प्रोडक्ट को खरीदिए, यूज़ करिए, उसके बाद मुझे मेरे साथ रिव्यू शेयर करिए। बस देखिए मेरे स्किन कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, गुड। प्राइस है 300, बट ऑब्वियसली अगर आप पपल से परचेस करोगे तो ऑब्वियसली बहुत मतलब ढेर सारा अच्छी खासी डिस्काउंट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मुझे कितने में मिला है सच में, ट्रस्ट में मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत दिन पहले मैं इसको लिए हूँ।
तो जो मैं फिर से बोलना चाहूँगी, ये प्रोडक्ट सबके पास होना ही चाहिए। मेरे नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, ये लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसे जलन टाइप होता है, बट ये नॉर्मल है थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीम नहीं। अगर आप इस ये प्रोडक्ट लगाने से पहले पैच टेस्ट आप ज़रूर यूज़ मतलब टेस्ट करा लेना, हाथ में या फिर गर्दन में यहाँ पे लगा लेना। अगर एक्सट्रीम लेवल का आपको जलन हो रही है तो ऑब्वियसली इसको आपको यूज़ नहीं करना है। अगर थोड़ा सा जलन हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे फेस पे भी लगाने के बाद थोड़ा सा जलन होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, और फिर से जब मैं वॉश करती हूँ तब भी थोड़ा थोड़ा ये होती है। पर आप देखना, ये लगाने के बाद मैं जो देखी हूँ, ये लगाने के बाद लाइक आज मैं लगाई हूँ, दो कल मेरा यहाँ पे एक पिंपल होने वाला है, जो इसका आकार बहुत बड़ा हो रहा है और जो थोड़ा मतलब दर्द भी कर रहा है, तो ये कल परसों तक बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। और तो बस ये प्रोडक्ट आपके पास अगर नहीं है अभी तक, तो प्लीज़ इसको परचेस करिए और इसको यूज़ करिए, और मेरे साथ आपका भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरे फेस पे पिंपल आते हैं तब आप मान लो कि महीने में मेरा दो बार तो इसको यूज़ करना हो ही जाता है, ज़्यादा यूज़ करना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि आपके फेस पे कोई भी पिंपल नहीं हो तो आप डेली यूज़ करोगे, तो ऐसा नहीं है। आप डेली यूज़ नहीं, इसको डेली यूज़ नहीं करना है। अगर मतलब 15 दिनों में, महीने में दो बार तीन बार आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो इसीलिए मैं ज़रूर बोलूँगी आपके पास ये प्रोडक्ट होना ही चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन भी हिट कर देना अगली बार मैं जब कोई भी वीडियो डालूँ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आप मुझे और भी दूसरे जगह पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, sunanda92d मेरा ID है। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय।